मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला सीहोर एक गांव के स्कूल प्रचारक की गुंडागर्दी कहे या दादागिरी के चलते मौत के साय में पढ़ाई करे जाने को मजबूर हैं। शिवराज मामा के भांजे भांजियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला सीहोर में प्रचारक की सांठगांठ से 5 साल से स्कूल चपरासी स्कूल से गोल और 1500 रुपये महीने में गाँव के ग्रामीण को रखकर करवा रहा काम। चपरासी 35,000 रुपये महीने में ले रहा, सीहोर में मार रहा मांझे। प्रचारक गुप्ता की मिली भगत से मामला सीहोर जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर इच्छावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम उलझावन के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं दोनों शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हैं। भानु जी बताइए कहाँ रहते हो आप? उलझावन। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उलझावन में। कौन सी क्लास में? 9। यहाँ साफ सफाई होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? यहाँ पे कोई और सीओर में रहते हैं यहाँ के चपरासी और यहाँ पे दादा काम करते हैं 3,000 रुपए महीने। मतलब जो ओरिजिनल शासकीय कर्मचारी है सफाई कर्मी वो सीओर रहता है? हाँ। यहाँ नहीं आता? सभी आते हैं महीने में। वो सफाई नहीं करता? हाँ, सफाई करने नहीं है। सिर्फ दादा से ही करवाई जा रही है? दादा से सफाई करवाई जा रही है। तो ये कब से चल रहा है? ये 2016 से। 2016 से मतलब दादा को असिस्टेंट रख लिया सफाई कर्मी ने? कलेक्टर साहब है ना वो? हाँ। इसलिए दादा को रख लिया? सर मैं ये बोल रहा था, सवाल मेरा ये है कि आपके क्षेत्र में एक उलझावन हाई स्कूल आता है, उसमें कुछ समस्या है रोड की, पानी की और ग्राउंड की, उसके अलावा भी, तो क्या समस्याएं हो जाएगी? ठीक, जैसे कि मान लो गंदगी बहुत हो रही है, पियून काम नहीं कर रहा है, दूसरा पानी के लिए शौचालय के लिए 500 मीटर जाना पड़ता है, स्कूल में साफ सफाई नहीं है। जी, जैसा कि आपने आपके माध्यम से मुझे अवगत कराया है जिन समस्याओं के बारे में, अभी यह विद्यालय चर्चा का विषय भी रहा है बीच में, वहाँ पर बिजली की समस्या के कारण। इस संबंध में हमने प्राचार्य को प्राचार्य से विद्यालय की व्यवस्था के बाबत संपूर्ण जानकारी चाहिए, विशेषतः पानी और बिजली की समस्या को लेकर। और जहाँ तक आपने स्वच्छता से जुड़े हुए बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया है, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले सप्ताह में निस्संदेह वहाँ की परिस्थितियाँ बेहतर करेंगे, हम प्राचार्य के साथ चर्चा करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो कुछ इश्यूज़ आपने उठाए हैं, मसलन बच्चों के लिए प्रसादन की व्यवस्था का लगभग 200-300 मीटर दूर होना, तो इस पर विशेष तौर पर हम विचार करेंगे कि बच्चों के लिए प्रसादन की व्यवस्था विद्यालय परिसर और विद्यालय भवन के ही अंतर हो, ताकि उन्हें किसी भी आवश्यकता की स्थिति में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। सर एक और सवाल ये है कि वहाँ स्कूल में एक पियून है, 2016 से उसने क्या कि उसके नीचे एक असिस्टेंट रखा हुआ है और वो सीओ रहता है, उसको मात्र 1500 रुपये देकर एक तो उसका शोषण भी किया जा रहा है और दूसरा इस... मेरा नाम अक्षय गोस्वामी है। बोलिए समस्या ये भी हास्कू चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल में पढ़ता हूँ, वहाँ पर उलझावन के लास्ट कोने से आता हूँ अपने स्कूल में, तो सड़क तो पक्का है लेकिन सर स्कूल तक आने में सब कीचड़ कीचड़ की मैदान भी नहीं है, मैदान है तो वहाँ पर गड्ढे गड्ढे, वहाँ पर कीड़े कांटे लगता है, शौचालय नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण किया 2 साल से लेकिन वहाँ पर कुछ भी निर्माण नहीं हो पा रहा है, सब टॉयलेट का निर्माण नहीं हो पा रहा है सर, वहाँ पर वहाँ तक जाने में हमें 2 कीड़े कांटे का डर लगता है, वहाँ पर इसके लिए आप चाहिए वो 2 दिन पहले हमें आंदोलन किया था बिल्ली का, तो बिल्ली आ चुकी है और पानी की सुविधा भी हो रही है, पानी हो रही है। पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पानी पीने के लिए 500 मीटर दूर जाना पड़ता है, हैंडपम्प लगा है वहाँ? हाँ सर जी।